Assalamualaikum, I am Farooq Sayyar from BS IR 5th and he is Tayyab Shahzad from IR 5th too, and we are here to show you a glimpse of life at NDO. So keep watching this video. हम तो जा रहे हैं गाड़ी पर E11 से, लेकिन यूनिवर्सिटी की बस ट्रांसपोर्ट सर्विस भी अवेलेबल है और मोस्टली स्टूडेंट्स वही यूज़ करते हैं. स्टार्टिंग विद द कैंपस, हमारी मोस्टली क्लासेस होती हैं इकबाल कैंपस में और क्लासेस वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं. तो अभी हम जा रहे हैं क्लास की तरफ लेने, इंग्लिश की क्लास है मैम मारिया की, तो चलते हैं. ये लोग तो काफ़ी गहरी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन चले आए इनसे पूछते हैं इन्हें यूनिवर्सिटी कैसी लगती है. हेलो तैयब, हाउ इज योर एक्सपीरियंस एट एनडीयू? गुड. हेलो यसाल, कैसे हो? मैं भी ठीक. यार एनडीयू में एक्सपीरियंस कैसा है तुम्हारा? इट्स बीन गुड सो फार. आउट ऑफ 10 अगर रेट करना पड़े? आई वुड रेट इट लाइक एन 8 or 8.5. हां, थैंक यू सो मच. ये तो मेरे क्लास फेलोज से चले आए, बाकी लोगों से पूछते हैं उन्हें कैसी लगती है एनडीओ. अस्सलाम वालेकुम शेरी, कैसे हो? ठीक हूं. कैसी जा रही क्लास? यार आपका एक्सपीरियंस कैसा है एनडीओ में? बहुत अच्छा है जी. आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है एनडीओ में? इट हैज बीन गुड, यू नो, इट हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, बट इट हैज बीन गुड. यू हैव फन एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज वेयर यू सो यू आर एंजॉयिंग. या थैंक्स अ लॉट. Hi. How are you? I'm fine. Can I ask you a quick question? Yes. How your experience at NDO? It is, you know, creative. You look in a hurry. Where are you going? Now I'm going to Madras Sports Complex. Are you enjoying? Yes, I am. Okay, thank you so much. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? यार NDO के बारे में एक कोई अच्छी बात बता दें. यार NDO में सुकून है. सुकून? यार एनडीयू के बारे में एक अच्छी बात बता दो. इट्स ब्यूटीफुल. तो क्या चीज़ अच्छी लगी अभी तक एनडीयू के बारे में? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और थोड़े से लोग हैं और उनसे इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है. तो आपके पास फुटबॉल है, आपके स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं क्या? हाँ, तो बेहतरीन. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, कैन आई आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन? हैप्पी और सैड? सैड. हैप्पी. हाँ, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस एट एनडीयू? वेरी नाइस, बट स्टिल अंडरग्राउंड होने का समय आता है. मी वाज रियली गुड बिकॉज़ आई लाइक द पीपल. ठीक है, थाई पे चलता. अब चली जाओ. कैसे हैं आप? अच्छा, तो एनडीयू के बारे में एक अच्छी बात बता दें. हसन भाई की चाय अमेजिंग, इसीलिए हम आते हैं. हसन भाई के शशक हैं फिर. हसन भाई के अलावा शफे भाई की चाय भी बहुत अच्छी है. और हाँ, स्कॉलर्स कैफ़े चलें, स्कॉलर्स कैफ़े चलते हैं और चेक करते हैं वहाँ पर क्या सीन है. ये हैं अमजद भाई, स्कॉलर्स कैफ़े के मैनेजर, और ये हमारा छोटा प्यारा सा स्कॉलर्स कैफ़े. एंड न्यू में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं,
चाहे वो स्पोर्ट्स वीक हो, सूफी नाइट हो, जीबी गल हो, जो भी हो, मतलब यूनिवर्सिटी आपको बोर नहीं होने देती जरा भी। लेकिन ये जो लड़का है जो बास्केटबॉल खेल रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी हो, मतलब अपना टाइम वो जो है ज़ाया नहीं करते और क्रिएटिव वेज में उसे यूटिलाइज करते हैं। ये तो चंद क्लिप्स हैं इस दफ़ा के स्पोर्ट्स वीक के, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में हमेशा ऐसी गेम गेमी लोग हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते आपको नज़र आएंगे। और मैंने इस यूनिवर्सिटी से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, जिनमें से एक ये भी है कि लोगों से खुशी खुशी मिलोगे, उनके साथ खुशी खुशी रहोगे तो वो भी ऐसे ही रहेंगे। सेम यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहेंगे उतनी मुश्किल बनती जाएगी, जितना उसे इंजॉय करेंगे उतनी आसान होती जाएगी। मुझे तो इस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी मज़े दिए हैं, कई अच्छे दोस्त मिल गए, कई अच्छी यादें बन गई मेरी। हाँ, पता ही नहीं चला 5 सेमेस्टर गुजर गए और आने वाले 3 सेमेस्टर्स का भी मुझे लगता नहीं कुछ पता चलेगा। ये गिलगित बल्तिस्तान के चंद स्टूडेंट्स जीबी गाला पर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी तरह हर स्टूडेंट अपने कल्चर से जुड़ा रहता है यहाँ पर। डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती, गुफ्तगू में उतरी बात। हाँ, डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती, गुफ्तगू में उतरी बात की तरह। और हाँ, how can we forget the most entertaining event of India, which is Sufi Night? इस दफा की Sufi Night में भी हमेशा की तरह India ने बहुत enjoy किया। इस वीडियो का इख्तिताम होता है, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।